नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उमेश भारद्वाज, आपका स्टडी मेंटोर, एंड स्वागत करता हूं आपका आज के मैथमेटिकल सेक्शन में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन, जो आप सामने देख ही पा रहे होंगे, और इसी का पार्ट है डिस्काउंट, जो कि आपकी बुक में भी इसी प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में ही मैंशन है। सो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और डायरेक्ट शुरू करते हैं डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पे बेस हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने दिखाया है उसमें कि सिर्फ एक कंसेप्ट है और उसी के बेस सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 64 रुपीज़ और छूट यानी कि डिस्काउंट 12.5% हो। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में ही आपको बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन मैं एक अच्छे से आपको डिटेल के साथ कराता हूँ, तो जिससे आपका एक बेस क्लियर हो जाता है, बेस बन जाता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन समझाया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 39 ये मैं डाल देता हूँ और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप अगले आने वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसमें क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जिसे हम बोलते हैं MP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64 रुपीज़। देन डिस्काउंट इन्होंने दिया है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 12.5%। अब जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस की शुरू की क्लासेस में समझाया भी था कि 12.5% का क्या मतलब होता है, 1/8। ठीक है, और ये डिस्काउंट है फ्रेंड, डिस्काउंट का मतलब कुछ छूट मिली है। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसे हम ओरिजिनल वैल्यू ट्रीट करते हैं। सो अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू 8 मानता हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, 1/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 रुपये पर 1 रुपये की छूट, छूट कहो या डिस्काउंट कहो, ये इसका मतलब होगा। ठीक है ना। सो अब खुद ही बताइए कि अगर 8 रुपये पर 1 रुपये की छूट मतलब -1 हो जाए तो कितना बचेगा, 7। सो ये 7 हमारा क्या है और 8 क्या है। सो आपको ये भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, गले में थोड़ा खराश है और इसी वजह से कल मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, तो थोड़ा सा तबीयत का इशू चल ही रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी भी टेबलेट्स लेकर काम चला रहे हैं। सो देखिए, जो 8 हमारा हुआ, हमने ओरिजिनल वैल्यू ट्रीट किया, सो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा MP मार्क प्राइस, उस पर हमें ये जो -1 है ये क्या रहा, ये रहा हमारा डिस्काउंट, और जो 7 हमारा मिला हमें वो क्या मिला, SP। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। ओके, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, CP के ऊपर, कहने का मतलब कनॉट प्लेस के ऊपर नहीं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस, CP प्लस प्रॉफिट या फिर CP माइनस लॉस ही हमारा SP होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। ओके, सो अब हम इसको अपनी गिवन वैल्यूज से रिलेट कर सकते हैं। किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि भैया मार्क प्राइस हमारा 64 है, लेकिन जब हमने रेशियो निकाली डिस्काउंट से तो मार्क प्राइस हमें हमें क्या मिला, 8 मिला। इसका मतलब इस 8 को हमें 64 बनाना होगा। 8 को 64 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, मुझे पता है 8 8 64 होते हैं, तो मैंने 8 से गुना कर दिया। अगर मैंने ये चीज़ 8 से गुना की फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मेरा डिस्काउंट भी 8 से गुना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये लीजिए, मैंने डिस्काउंट भी 8 से गुना कर दिया, और अगर मैंने डिस्काउंट 8 से गुना किया तो अब मेरा सेलिंग प्राइस भी उसी रेशियो में गुना हो जाना चाहिए, तो ये हो गया जी। अब देखिए MP मेरा कितना बन गया, 8 8 64, और यही देखिए मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये की छूट हुई और 7 रुपये मेरा SP हुआ, तो 64 रुपये के ऊपर कितनी छूट हो जाएगी, 8 रुपये की छूट। और जैसे ही 64 में से हम 8 घटाएंगे, 8 7 56, ये हमारा क्या आएगा, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। और ये इसकी का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो हमारी छूट हुई या डिस्काउंट हुआ, ये 12.5% का हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में, यही आपके सवाल का आंसर होगा। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 56,
ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आई होप मैंने ये क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से समझाया है आपको और आप समझ पाए होंगे। अब देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई तो आप मुँह जबानी ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और हम उसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विक्रय मूल्य 1920 रुपये है और छूट 4% है। अब पहले उसने हमें अंकित मूल्य दिया हुआ था और विक्रय मूल्य पूछ लिया था, अब हमें विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए, 1920 रुपये ही हमें गिवन है, ठीक है, और हमें बाद में गिवन है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें कितना गिवन है 4%, और 4% का मतलब क्या हो गया 4/100, और जैसे ही मैं कट करूँगा 1/25, यानी कि 25 रुपये के ऊपर 1 रुपये की छूट। ये हमें लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती है, और जैसे ही 25 रुपये की के ऊपर 1 रुपये की छूट हुई तो कितना हुआ 24। अब मैंने जैसा आपको ऊपर बताया था कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी MP होगी, ये हमारा डिस्काउंट हुआ, और जो हमें गिवन मिला वो SP मिला, मतलब सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर है 1920 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 24। इसका मतलब हमें 24 को 1920 बनाना पड़ेगा। हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 24/8 जो होता है वो 192 होता है। अगर 24/8 192 होता है तो जीरो ही तो अलग से है, मैंने ये जीरो यहाँ पे भी चिपका दी। और हमें बताना है क्वेश्चन में कि हमारा अंकित मूल्य, हमें MP निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि MP हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमने 80 से गुना किया तो यहाँ पर भी 80 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25/8 200, और एक जीरो एज इट इज चिपका देंगे साथ में, और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। समझ आया आपको? ठीक है, अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में लोकी जी ने बताया था और उनका डाउट भी हमने क्लियर किया, ठीक है। बट पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं आया उनका कुछ, मतलब उनका क्या बोले, किसी का भी नहीं आया अब की बार तो, मतलब जो रेगुलर व्यूअर्स और फीडबैक देते थे अच्छा, किसी का भी हमें फीडबैक नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, हो सकता है आप अपने कॉलेज एग्जाम्स में बिजी हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का 20% ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 25 रुपये और विक्रय मूल्य 23.50 रुपये हो। 20% क्या है दोस्तों, ये है हमारा वही परसेंटेज किसका, डिस्काउंट का, ओके। ये डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, अंकित मूल्य कितना है 25, विक्रय मूल्य 23.50। तो देखिए मार्क प्राइस हमारा कितना है 25 रुपीज, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 30.50 रुपये। अब आप बताएं, मैंने आपको बताया था कि MP में से अगर हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमें SP मिलता है, ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप बताएं कि मैंने कितना माइनस किया होगा यहाँ पर कि हमें 23.50 मिला, 25 में से कितना माइनस किया होगा, 1.5 माइनस किया होगा। इसका मतलब 25 के ऊपर 1.5 रुपी का हमने डिस्काउंट दिया है, 1.5 रुपी का डिस्काउंट दिया है, और हमें इसी का परसेंटेज बताना है कि ये कितना परसेंटेज होगा। सो बहुत इजीली आप कर सकते हैं कि भैया 25 में से 1.5 का डिस्काउंट, तो 100 में से कितने का डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो यहाँ से हटा के ये पॉइंट कट कर देता हूँ, है ना। हम इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 150/25, यही तो लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 25 × 150 होता है, तो ये कितना आ गया 6%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 25 के ऊपर 1.5 का डिस्काउंट, हमें बताना है प्रतिशत निकालने के लिए कि 100 के ऊपर कितना होता है, तो 25 को हमें 100 बनाना है। हम क्या कर सकते हैं, 25 × 100, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, ये यहाँ पर 100 बन गया और ये यहाँ पर 6 बन गया, और 100 के ऊपर
सिक्स का डिस्काउंट, इसका मतलब 100 के ऊपर जितना भी वैल्यू होती है वही उसका प्रतिशत होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक दुकानदार 3 क्रमागत बट्टा 50%, 30%, 20% की दर से देता है। इन क्रमागत बट्टों का समतुल्य एक दर क्या होगा? देखिए, आपने कभी देखा है शॉपिंग करते हुए, आप शोरूम्स के बाहर कभी कभी देखते हैं 50+30% डिस्काउंट, ऐसा कुछ लिखा होता है, या फिर लिखा होता है 50+50% डिस्काउंट, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो दोस्तों आप खुद बताइए मुझे, मैं बस एक पहले आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप सपोज कीजिए कि शोरूम के बाहर लिखा हो 50+50% डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या वो चीज़ हमें फ्री में दे रहा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना, कि 50 और 50 मतलब भैया ये तो 100% का डिस्काउंट कर दिया, ऐसा भी होता है क्या? और 100% का डिस्काउंट होने का मतलब अगर कोई शर्ट हम खरीदते हैं 1000 रुपीज़ की है, और हम बोले कि भैया उसने हमें 100% डिस्काउंट दे दिया, 50+50 100, तो 100% डिस्काउंट दे दिया, कि तो क्या हमें वो फ्री में दे देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में वो शॉपकीपर्स अपना लाभ कमाने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 50+50 लिखते हैं, और अगर किसी को इस चीज़ का पता होगा तो वो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और अगर किसी को नहीं पता तो वो सो फ्री के चक्कर में जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ अमाउंट तो वो ज़रूर पे करके आएंगे। तो कितना अमाउंट पे करेंगे? ये एक्चुअल में सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। इसे हम किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, 50+50 ये तो हुआ 100, लेकिन इसमें से हम एक पॉइंट माइनस करते हैं, वो कितना माइनस करते हैं, वो ये माइनस करते हैं 50×50/100। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं पिछली वीडियोस में, तो इसका मतलब ये 100 तो जरूर हुआ, लेकिन उसमें से माइनस कितना हो गया, 50×50 55 25, और 00 2500, और 10 से ये 0 कट गई, मतलब -25। दुकानदार ने हमें डिस्काउंट तो दिया, लेकिन कितना, 75%। क्यों? क्योंकि इस 50+50 का मतलब डायरेक्ट 75 ही हो जाता है। आई बात समझ में? इसका मतलब इन दोनों का जो एक कंबाइंड रेशियो मैं कहूँ वो हमारी 75 आएगी, ना कि 100। ओके अब अपने जो उस क्वेश्चन में बोल रहा है उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में हमें दोस्तों, दिया हुआ है 50%, 30% और 20%। हमें इन तीनों प्रतिशत का, और ये क्या है, डिस्काउंट, ये तीनों ही के क्या है, एक तरीके के डिस्काउंट। हमें बताना है कि इन तीनों को अगर मैं मिलाता हूं तो हमारा एक कंबाइंड डिस्काउंट जो निकल कर आएगा वो क्या होगा। आए बात समझ में? जैसे मैंने अभी पिछले आपको एग्जांपल बताया, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। वो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होता है किसी भी दो डिस्काउंट के लिए। तो हम पहले दो डिस्काउंट लेकर चलते हैं, देन इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा फिर हम उसको थर्ड डिस्काउंट के साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे। ओके सो देखिए क्या आता है इसका, मैं क्या लिख सकता हूँ। पहले मैं ये दोनों डिस्काउंट लेता हूँ, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 50+30 50×30/100। और ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, और ये दोनों जीरो एक एक, इन जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 3 15। कह सकता हूँ कि 80-15 जो कि बराबर होगा किसके, 65 के। तो जो 50 और 30 है तो इन दोनों का डिस्काउंट किसके बराबर आया, 65 के, 65 के। अब हमारे पास दो डिस्काउंट कौन से बन गए, 65। अब हमें वैल्यू रिलेट करनी है 65 से और 20 से। अब हम सेकंड स्टेप में इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हम कह सकते हैं 65+20-65×20/100।
जो कि किसके बराबर होगा आपको बताइए, 65 जमा 20 85, तो ये हुआ। उसके बाद 20 एकम 20, 20 पंजा 100 और 65 मतलब 13 पंजे 65 माइनस 13 इज इक्वल टू 85 में से 13 गए 72%, और यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा, यही हमारा आंसर भी होगा। ओके सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। ये देखिए 43 है फ्रेंड्स, 15%, 20% और 25% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। हमें जैसे अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी ही यही अप्रोच लगानी है आपको और आंसर बताना है। तो क्या ये आप क्वेश्चन आप खुद करेंगे? जी आपको करना होगा, तभी आप सीख भी पाएंगे। 43 है, मैं लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ एंड हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है सो वो भी बोलिएगा कमेंट में, हम इसको आपका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक दुकानदार 3 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। अब आप देखिए, मैं आपको एक बार मूझबानी बताता हूँ इसको। 3 वस्तुएं तो खरीदी कस्टमर ने, दुकानदार ने 2 वस्तुएं मुफ्त दे दी, दुकानदार की तरफ से कितनी वस्तुएं चली गई बताएं? टोटल 5 वस्तुएं चली गई। अब जो प्रतिशत की छूट, जो छूट दी है उसने, एक तरीके से ये 2 वस्तुएं जो उसने फ्री दी हैं, ये एक तरीके की छूट ही तो है, समझे? ये जो 2 वस्तुएं फ्री दी हैं ये एक तरीके का डिस्काउंट ही तो है कि ये चीज़ फ्री में दे दी उसने। ओके सो टोटल 5 वस्तुएं उसने दी और 5 के ऊपर उसने 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो हम निकालना है कि 100 के ऊपर कितना होगा। आप बहुत इजीली कर सकते हैं, 5 से कट करेंगे 100 को, 20 आएगा, 20 दूनी 40% इसका आंसर होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होगा। मैंने मूझबानी आपको बताया है, आप भी कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है ये। देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 3 वस्तुएं तो खरीदी गई, 3 आर्टिकल्स, ठीक है, खरीदे हैं मतलब 3 के तो पैसे दिए हैं कस्टमर ने, जमा 2 आर्टिकल फ्री मिले हैं उसे, ओके, बराबर कितना हुआ? 5 आर्टिकल्स। शॉपकीपर के पास से तो 5 आर्टिकल चले गए ना जी, ठीक है, और कस्टमर को एक तरीके से जो 2 मिले हैं वो फ्री के मिले हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये डिस्काउंट के तौर पे उसे दे दिए गए कि हम भैया आप ले जाओ मुफ्त में, हम इनका कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे, ठीक है। सो कह सकते हैं कि 5 के ऊपर 2 का डिस्काउंट है और हमें प्रतिशत में बताना है कि ये प्रतिशत में कितना होगा, तो आपको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए हम गुना में 100 कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसे कट करेंगे, 5 एकम 5, 20 पंजा 100 और 20 दूनी 40% इसका आंसर होगा। आप अगर लिखने का तरीका पहले जैसे मैंने आपको बताया था वैसा रखना चाहें कि भैया 5 के ऊपर 2 का डिस्काउंट, 100 के ऊपर कितने का, हमें ये 100 बनाना पड़ेगा, हम यहाँ पर भी 20 से गुना कर देंगे और इधर भी 20 से गुना कर देंगे, ये यहाँ पर 100 बन गया और ये कितना बन गया 40, और 100 के ऊपर 40 मतलब 100 के ऊपर जो वैल्यू जितनी होती है वही उसका प्रतिशत होता है, इसका मतलब 40% इसका आंसर आ जाएगा। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, इस पर 2 बार लगातार बट्टा दिया जाता है, लगातार बट्टे का मतलब वही आ जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से 1 10% है वह दूसरा x प्रतिशत है, यदि उस वस्तु को 720 में बेचे तो उसका दूसरा बट्टा क्या होगा, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। अंकित मूल्य यानी कि MP हमें दिया हुआ है और यहाँ पे 720 SP हमें दिया हुआ है, तो देखिए किस तरीके से इसे अप्रोच करते हैं, ये देख लीजिए। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी ये चीज़ें, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ वही पेज, ये देखिए
मैंने ये कुछ चीज़ें आपको बताई थी, आपको ध्यान होगा, ठीक है, कि जो डिस्काउंट हमारा होता है वो मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, उसका डिस्काउंट परसेंटेज भी हम निकाल देते हैं, और एमपी में से हम डिस्काउंट परसेंटेज अगर माइनस कर दे तो हमें एसपी मिल जाता है, और जो एमपी हमारा होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू एसपी होता है। इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है हमें, मैं कहीं भी कंसेप्ट अलग नहीं लेके जाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 45 है ये हमारा, एमपी हमें कितना गिवन है 1000, एसपी हमें कितना गिवन है 720। ओके जी, अब पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट हमारा क्या होगा। डिस्काउंट हमारा होगा जी एमपी माइनस एसपी, या मैं कह सकता हूँ कि 1000 माइनस 720 जो कि बराबर होगा 280, ठीक है जी। इसका मतलब हमारा डिस्काउंट कितना हुआ 280 का। अगर मैं बात करूं कि 1000 रुपये के ऊपर 280 का डिस्काउंट, तो ये एक ओवरऑल इफेक्ट आ जाएगा मेरे पास। ओवरऑल इफेक्ट कहने का मतलब, ये जो पहला और दूसरा इन्होंने दिया है ना, कि पहला डिस्काउंट 10% तो दूसरा कितना होगा, ये उनसे ऊपर की चीज़ आ जाएगी। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 के ऊपर 280 का डिस्काउंट तो 100 के ऊपर कितने का होगा, ये मैं अब इजीली निकाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से। कितना आ गया 28%, ये मेरा ओवरऑल आ गया। ओवरऑल आने का मतलब, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला डिस्काउंट तो 10% का है और टोटल 28% का है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाकी बचा हुआ 18% का है, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चंस किए, आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं कि पहला डिस्काउंट 10% का था, 10% का था, दूसरा एक्स परसेंट का था, और मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों मिक्स तो हो जाते हैं बट माइनस करने पड़ते हैं, 10 × x/100, और ये जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा ये हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाला था, और ये हमें अब क्वेश्चन में गिवन है कितना 28%, ठीक है। अब बस हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, 10 × 10, 10 × 100। जैसे ही मैं इस 10 को इधर अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, 10 + x − 1 ओ x/10 = 28। जैसे ही मैं इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, 100 + 10x − x, और ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बचेगा, कितना मिलेगा 280, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये कितना आ गया 9x बराबर 100 माइनस हो जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके, 280 में से कितना मिलेगा 180, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 × 2 = 18 और 0 की 0, यानी कि 20%। जो आपका सेकंड डिस्काउंट होगा ना, वो 20% का होगा, ना कि 18% का। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि ओवरऑल निकाल के और पहले वाले को माइनस कर देंगे या दूसरे वाले को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 25% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमपी हमें गिवन है 250 रुपये, उसे दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा, यानी कि हमें क्या बताना है, खरीदा होगा किस पर खरीदते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, हमें इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 10%, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 25%। देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, मैं वही एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, आपने थंबनेल में भी देखा होगा मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है और मार्क प्राइस होता है। ओके, अगर सीपी के ऊपर कोई कुछ प्रॉफिट मुझे होता है, मतलब प्लस प्रॉफिट मैं कह सकता हूँ, प्लस प्रॉफिट मुझे मिलता है, तो मेरा एसपी आ जाता है। कुछ एमपी मेरा होता है
एमपी यानी कि मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहूँ, अंकित मूल्य के ऊपर मैं डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ, डिस्काउंट माइनस करता हूँ तो हमें एसपी मिल जाता है। या मैं कह सकता हूँ कि सीपी यानी कि कोस्ट प्राइस में से अगर मैं लॉस माइनस कर दूँ तो भी हमें एसपी मिलता है। ओके, सो यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आपको मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ। एमपी हमें कितना गिवन है, चलिए मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, एमपी हमें गिवन है जी 250 रुपये। ओके, डिस्काउंट कितना गिवन है हमें, 10%। मच्छर भैया डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, डिस्काउंट कितना गिवन है, 10%। अब आप खुद बताएं, 250 का 10% मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एसपी मिल जाएगा, और 250 का 10% कितना, 25, यानी कि मतलब 10% का क्या मतलब हुआ, 1/10। और अगर मैं 1/10 यानी करूंगा 250 का तो क्या मिलेगा, 25। इसका मतलब 250 में से मैं 25 माइनस कर दूं, एसपी मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 225। ठीक है जी, अब हमें प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना, 25%। 25% हमें प्रॉफिट गिवन है। अब आप क्या कह सकते हैं कि कुछ सीपी में मान लेता हूं कि मेरा एक्स सीपी था, इस एक्स के ऊपर हमें प्रॉफिट मिला 25% का और हमारा एसपी बन गया 225। ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं आपको यहां से क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। यहां से 25% का क्या मतलब होता है, 25/100 यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो मैं कह सकता हूँ इसको 25/100 में लिख सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट का परसेंटेज है तो इसका मतलब 100 के ऊपर 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर 100 के ऊपर 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो वैल्यू कितनी बन गई, 125 बन गई। बिल्कुल कह सकते हैं, इसका मतलब 125 रुपये किसके बराबर हमें गिवन है, 225 के, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले तो चीज हमारी 100 थी ना जी। अब आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, मैं दोनों साइड 25 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा, 25 पंजा 125 और 25 निम्मा 225। ठीक है, अब हमें, मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, हमें 100 बनाना पड़ेगा, तो मैं अब क्या करता हूँ, 20 से गुना कर देता हूँ, 20 पंजे 100 बन गया, इधर भी 20 से गुना कर देता हूँ, सो 100 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 दूनी 18 180। इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा, दुकानदार ने इसी रेट पर खरीदा होगा। अगर आप एक्स से इसे करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। मैंने सीपी को एक्स मान लिया और एक्स के ऊपर 25% का प्रॉफिट हुआ तो हमें सेलिंग प्राइस मिला 225। कैसे, एक्स का 25% प्रॉफिट मतलब 100 के ऊपर 25 का प्रॉफिट यानी 125। 125/100 बराबर कितना होना चाहिए, 225, और यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 पंजे 25 निम्मा 5 एकम, और ये 20, और ये 20 बॉर्डर पार इधर जाके गुना हो जाएगा, एक्स बराबर 9 दुनिया 18 और 0 की 0 एज इट इज, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180। आप दोनों ही तरीके में से कोई भी तरीका जो भी आपको समझ में आए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप ये सीखें, और बहुत अच्छा मेथड है, आप अप्लाई एक बार माइंड में आ गया ना तो अप्लाई जरूर कर पाएंगे। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और अगर समझ आ रहा है तो कमेंट किया कीजिए यार, और जो रेगुलर व्यूवर्स थे उनके कमेंट्स तो हमें मिले ही नहीं है लास्ट वीडियो में, खैर कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कहता है। 153 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 15% बट्टा यानी कि डिस्काउंट काटने के बाद भी उसे 20% लाभ यानी कि 20% का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, और ये क्या वैल्यू दी हुई है, 153 हमें सीपी दिया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करें। अब आप क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं।
सीपी हमें गिवन है 153। हमें एमपी निकालना है क्योंकि उसमें पूछा है कि अपना अंकित मूल्य कोई क्या रखे। डिस्काउंट हमें देना है जी, डिस्काउंट कितना देना है 15%। लेकिन 15% डिस्काउंट देने के बाद भी हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 25%, सॉरी 20%। 20% क्वेश्चन में गिवन है, 20% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। दूसरा तरीका वेल एंड गुड है, आपको रटा रटाया होना चाहिए, या मैं पहले चलिए दूसरा ही बता देता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल, ये जो 153 है ना, 153, ओके, ये है, इसे लिखा और गुना का निशान लगा दिया। उसके बाद हमें दो चीज़ें लिखनी है। अपॉन में लिखना है हमें डिस्काउंट देने के बाद क्या वैल्यू बचेगी। डिस्काउंट कितना है 15%। 15% का मतलब क्या हुआ जी, 15/100, यानी कि 100 के ऊपर 15 का डिस्काउंट। अगर 100 के ऊपर 15 का डिस्काउंट यानी 15 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 85। यहां पर लिख दिया 85। इसका क्या मतलब है, 20% का मतलब हुआ 20/100, यानी कि 100 के ऊपर 20 का प्रॉफिट इसने बोला है। ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, तो प्रॉफिट और 100 के ऊपर 20 का प्रॉफिट मतलब 120 बन जाएगी वो चीज़। यहाँ पर लिख देना है 120, और अब इसे सोल्व कर देना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका मार्क प्राइस होगा। ठीक है, किस तरीके से देखिए आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो देख लीजिए। 5 से मैं करता हूँ, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 2 10 और 5 4 20, ठीक है। और आप कट कर सकते हैं डायरेक्ट, 17 निम्मा मतलब नाइन्जा पर जाएगा, 153 बचेगा, और 24 × 9 कितना होता है, 216, 24 निम्मा 216, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था एक्चुअल में, कि ये चीज़ आई तो आई कहाँ से, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो अगर आई तो आई कहाँ से वो देख लीजिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ माइंड में ना आए तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा एमपी जो था ना, वो एमपी एक्स था, ठीक है। अगर एक्स एमपी था, इस एमपी के ऊपर हमने पहले तो दिया जी डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया आप बताएं। डिस्काउंट दिया हमने 15% का, 15% का डिस्काउंट बोले तो वो चीज़ इतनी रह गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमें इसी चीज़ के ऊपर 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट बोले तो कितना रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा ये यहाँ पर बराबर का निशान आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मार्क प्राइस पर हमने एक डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद ये हमें मिला तो क्या मिला, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मिला। जैसा कि मैंने आपको ये दिखा बनाया के दिखाया था ना, ये वाली चीज़ कि किसी मार्क प्राइस पर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमें एसपी देता है, और सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है तो वो भी हमें एसपी देता है, या लॉस होता है तो भी हमें एसपी देता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है कि एक्स के ऊपर हमने 15% का डिस्काउंट दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एसपी बन गया। और अगर अब हम जो हमें गिवन है सीपी 153 उसको हम प्रॉफिट देते हैं, कितने परसेंट का गिवन है प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में, 20% का, मतलब 120 का हम अगर प्रॉफिट देते हैं तो भी ये हमारा क्या बना, एसपी। अब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, इसलिए हमने इसको इक्वल पुट कर दिया, और आप देखें कि 100 से 100 कट जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 153 × 120/85, और ये बिल्कुल यही चीज़ आ गई जो हमने यहाँ पर लिखी थी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ कहाँ से लेके आए हैं, एसपी इक्वल करके, ठीक है। अब यहाँ से भी आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, 216, और बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, 8% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितना अधिक मूल्य लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें हमें एमपी या सीपी नहीं दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, और हमें
छूट दी हुई है 10% यानी कि डिस्काउंट और 8% प्रॉफिट यानी कि लाभ हमें गिवन है। किस तरीके से अप्रोच करेंगे देखते हैं। मैंने कहा जो भी हमें मिलेगा वो सीपी के ऊपर होता है प्रॉफिट हमें, तो मैंने कहा कि जी लेट सीपी इज इक्वल टू कनॉट प्लेस नहीं कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। ओके ये था हमारा 100 रुपीज़। अब बात आई क्या क्या था, जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था कि 100 गुना डिस्काउंट कितना है 10% का, 100 बचा कितना 90, और प्रॉफिट कितना है 8% का, यानी कि कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 100 के ऊपर 8 का प्रॉफिट मतलब 8% मतलब 108 हो जाएगा, और हमें इसी को सॉल्व कर देना है। क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 120। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा एमपी हमें मिला है, क्योंकि उसने यही बोला ना कि कितना ऊपर मार्क करेगा प्राइस, सीपी इतना था मार्क कितना करेगा 120। तो आप खुद ही बताएं कि कितना ज़्यादा मार्क किया, 100 से 20 ज़्यादा मार्क किया। और मैंने आपको बताया है कि 100 के ऊपर जो चीज़ जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही परसेंट होती है उसका, या जितनी कम होती है उतना ही परसेंट होती है। सो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 20%, यही हमारा आंसर होगा। 100 के ऊपर 20% ज़्यादा यानी कि 120, और 20% ज़्यादा उसको अपना मार्क प्राइस रखना पड़ेगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, देखते हैं क्या कहता है। 440 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 12% की छूट देकर भी उसे 26% का लाभ हो। 440 क्या है, हमारा सीपी है और हमें एमपी निकालना है। डिस्काउंट हमें गिवन है 12% और प्रॉफिट हमें गिवन है 26%। बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 47 किया था। 440 गुना 126/88 हमें करना होगा, और जो भी सॉल्यूशन आएगा जो भी, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो देख लीजिए, ठीक है, खुद से कीजिएगा यार, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बार बार सेम क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। डू योर सेल्फ एंड प्लीज पुट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 50, देखते हैं क्या कहता है। साइकिलों का एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पर 25% कमीशन देता है और फिर भी 20% लाभ कमा लेता है। यदि एक साइकिल पर उसका लाभ 60 रुपये हो तो एक साइकिल का विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज समझिए लैंग्वेज। ये जो 25% कमीशन है ना, ये पता है क्या है, ये है डिस्काउंट। अगर एक कंपनी वाला अपने किसी डीलर को 25% डिस्काउंट या मतलब कमीशन दे देगा, तो वो 25 रुपये कहूँ तो वो तो कंपनी वाले की जेब से तो निकल गए ना, कंपनी वाले को तो नहीं मिले। मान लीजिए कंपनी वाला एक डीलर जो है वो कंपनी वाले को 100 रुपये कमा कर देता है, अगर जब वो 100 रुपये कमा कर देता है तो कंपनी वाला उसको 25 रुपये कमीशन देता है। इसका मतलब कंपनी वाले ने कितने रखे, 75 रुपये रखे, जिस और 75 में बाकी जो 25 रुपये बचे वो उसने डीलर को दे दिए, तो उसकी जेब से तो चले गए ना। इसका मतलब 25% है कमीशन, ये उसका डिस्काउंट है। ठीक है, अब बात आई 20% लाभ कमाता है, जी बिल्कुल ठीक है। अब ये विज्ञापित मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जी विज्ञापित मूल्य जिस मूल्य पर विज्ञापन के ऊपर लिखा होता है, यानी कि मार्क होता है, मार्क प्राइस ये गिवन है। ओके सो देखिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, हमारा जी कुछ सीपी होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ एसपी रहा होगा और कुछ मार्क प्राइस रहा होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया 25% कमीशन, तो ये -25% रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और रही बात जो प्रॉफिट बोला है वो 20% बोला है, सो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ +20% रहा होगा, और ये क्या है मेरा प्रॉफिट, और ये क्या है डिस्काउंट। ठीक है, सो ये प्रॉफिट हमारा 20% रहा होगा। अगर मैं एमपी को 100 मानता हूँ, ठीक है, मैंने माना कि मेरा मार्क प्राइस 100 रुपये था, पर
25% डिस्काउंट देने के बाद मेरा एसपी कितना रहा होगा? 75 रहा होगा। अब आप बताएं कि जो सीपी है कोस्ट प्राइस के ऊपर का, मतलब मैं कह सकता हूं कि कोस्ट प्राइस का 120% जो होगा वो 75 के बराबर होगा। कोस्ट प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट हमारा 75 के बराबर होगा। यही तो मैंने बोला। कैसे? ऐसे कि भैया 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, यानी कि 100 के ऊपर 20 का प्रॉफिट। 100 के ऊपर अगर 20 का प्रॉफिट होगा तो चीज़ कितनी बन जाएगी, 120। सो सीपी जो कि बन गया 120, 100 के ऊपर, वो मेरा कितना रहा होगा, 75 रहा होगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ सो मेरा सीपी में क्या मिलेगा, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, और 20 छिका 120, 20 पंजे 100, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सीपी हमें मिलेगा जी 125/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये मेरा आया सीपी। अरे पेज क्यों भाग रहा है यार, लिखी तो रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया सीपी। अब हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए, साइकिल पर उसका लाभ 60 रुपये है। अब लाभ निकालना पड़ेगा जी, और लाभ क्या होता है? जब हमें लाभ होता है तो हमारा, मैंने आपको बताया था कि एसपी हमेशा बड़ा होता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है वो बड़ा होता है, माइनस सीपी कर देते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब कुछ ऐसा ही खेल हम यहाँ पर भी खेलेंगे कि मैंने क्या किया, 75 माइनस 125/2 जो सीपी हमने निकाला है, और जैसे ही मैं ये करूँगा, 75 दूनी 150, 150 में से 125 गए, कितना बचा, 25/2। ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब आप बताएं खुद ही क्वेश्चन में कितना गिवन है। पेन कहाँ रख दिया, ये रहा। इस 25/2 की वैल्यू, ये हमारा प्रॉफिट आया है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से मतलब जब हम 100 मान के सबको चले हैं, और इसी प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 60 गिवन है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस। इसका मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें 100 बनाना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि 25/2 = 60 है, तो 25 बराबर कितना होगा, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा 120। अब हमें बताना है कि 100 कितना होगा, मुझे 100 बनाने के लिए ये 4 से गुना किया जी, ये 4 से गुना किया, ये कितना बन गया, ये बन गया जी 100, और ये कितना बन गया, 12 चौक 48, आंसर आ गया 480 हमारा विज्ञापित मूल्य, जो 100 है, और यही हमने देखो ऊपर 100 माना है, एमपी यानी कि विज्ञापित मूल्य। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे तोते को पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए शायद आपको ये चीज़ बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो यकीन मानिए आपका हद मार के 25 से 30 सेकेंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, बाकी सब क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 480 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है, तथा क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। देखिए बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है बस, यदि वह कुछ भी छूट न दे तो। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने की ट्राई कीजिए, हल्की सी कैलकुलेशन जरूर लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगेगी बिल्कुल भी, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, करके देखना एक बार खुद से क्वेश्चन, और मुझे बताना कमेंट में कि आपने कैसे किया, हुआ भी या नहीं हुआ, और अगर हो जाए ना तो खुद को शाबाशी जरूर देना, इससे यार ये जरूर पता लगेगा कि आपको ऊपर के सभी कंसेप्ट समझ में आए हैं और आप उनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। डू योर सेल्फ, ओके, खुद से करके देखिएगा, जरूर कीजिएगा। और ये मैं तो नहीं कहूँगा कि ये भैया DSSB के लेवल या आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ करिएगा जरूर, आ जाएगा तो क्या कर लोगे, पेपर में तो करना पड़ेगा वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर स्विच करते हैं।
एक घड़ी पर 160 रुपये अंकित मूल्य है। एक ग्राहक दो लगातार छूट के बाद 122.40 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य मतलब एमपी दिया हुआ है, ये सारा ओवरऑल प्राइस के बाद का प्राइस याद रखने की, एसपी दिया हुआ है इतने में बेची, पहली छूट मतलब पहला डिस्काउंट दिया हुआ है, दूसरा डिस्काउंट बताना है, और ये वही सक्सेसिव डिस्काउंट वाला काम है। 52 एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ, अगर अगला ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा तो फिर से वो आप ही करेंगे। क्या बोला है देखिए, अंकित मूल्य कितना है जी, यानी कि एमपी हमें गिवन है 160 रुपये। कुछ इसी तरीके से आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। पहला जो छूट है कितनी है, 10%। अगर 10% छोड़ दिया यानी कि 10/100, 100 में से 10 छोड़ दिया तो बाकी कितना बचा, 90 बचा। ये लिख दिया जी मैंने, 90 बच गया। अब हमें बताना है कि अगली को कितनी बचेगी। अगर मान लो एक्स परसेंट, या मैं कहूँ D2 मान लेता हूँ, D1 तो मैंने ये लिख दिया, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 मैं मानता हूँ कि डिस्काउंट 2 मेरा D2 रहा होगा, तो वो भी 100 में से माइनस हो जाएगा, तो इतना बच जाएगा हमारे पास, ओके। और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर आएगी, अब ये सेलिंग प्राइस के ही बराबर आएगी, और सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 122.40। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, घबराइएगा मत, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, आप डायरेक्ट अप्रोच करके वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही इसे कट करने की कोशिश करेंगे तो जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। अब आप देखिए 16 निम्मा कितना होता है जी, पाड़े वाड़े याद किए या नहीं किए बता दो, नहीं किए हो तो भी कोने में गुना करोगे, टाइम ख़राब करोगे, इससे अच्छा है याद कर लो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम पेपर से पहले ज़रूर पढ़ के जाना यार, बेइज्जती मत करा देना कि पहाड़े भी नहीं आते हैं। 16 निमा 144, 100 माइनस D2 एज इट इज़ मैंने लिखा, और ये जो पौन में 100 है ये इधर बॉर्डर पार जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना होते ही क्या करेगा, ये पॉइंट को हटा देगा, दो प्लेस खिसका देगा, यानी कि डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। इतना तो कैलकुलेशन आता ही है ना। अब ये वैल्यू अगर मेरे पास आ गई, अब 100 माइनस D2 मेरा क्या आ जाएगा, 144 इसके बटे में आ जाएगा, ये आ गया जी इतना। अब आप इसे कट करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये आएगा आपका 85। और यहाँ पर 85 आ गया था, D2 मेरा क्या आएगा, 100 माइनस 85 यानी कि 15। ये मेरा डिस्काउंट 2 है, कितना आ जाएगा, 15%, ठीक है जी। आप कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलो काटना है क्या, अरे काट लो यार, 7 से कट कर लो, डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मैंने इसलिए नहीं कि बस थोड़ा सा कि भाई आपका टाइम भी सेव कर दूं, और आपको पता ही है डायरेक्ट 85 आएगा, ओके। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, आप ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ अगर ऐसा ही कुछ है तो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52 था ना ये, ठीक है। अब आते हैं 53 पे। किसी घड़ी पर 800 रुपये अंकित मूल्य है, एक ग्राहक दो लगातार छूट के बाद, हाँ बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 612 रुपये में खरीदता है, पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए जो मैं, आप यहीं के यहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से, अंकित मूल्य 800 रुपये है, इसी अंकित मूल्य के ऊपर पहला डिस्काउंट दिया होगा 10%, और 800 का 10% अगर मैं कट कर दूं, माइनस कर दूं, तो 800 का 10% कितना, 80 हो जाएगा। अगर मैं 800 में से 80 घटा दूं तो कितना बचेगा, कान में बताइएगा, 720 रुपये, ठीक है। तो 720 रुपये अब आ गया, मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू कितनी बन गई, 720। अब 720 और 612 में कितने का डिफरेंस रहा बताएं, 108 रुपये का। इसका मतलब 720 पर 108 रुपये का डिस्काउंट, तो 100 रुपये पर कितने का होगा, वही हमारा आंसर होगा। या आप कुछ इस तरीके से, मैं बता देता हूँ आपको लिख के कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए मैं कुछ ये कह रहा हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर है 53,
800 रुपये था, 800 का मैंने 10% माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 720। अब ये मुझसे पूछ रहा है आगे कि मैं 720 का D2% जो है वो क्या रखूं कि अगली वैल्यू हमारी 612 हमें मिले। यही तो मतलब हुआ कि भैया 800 के ऊपर 10% का डिस्काउंट हुआ तो 720 बन गया। अब 720 के ऊपर कितने परसेंट का डिस्काउंट होगी, 612 बन जाए, यही हमें बोलना चाह रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 720 गुना 100 माइनस D2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 612 ही हमारा होना चाहिए, और यही हमसे पूछ रहा है। ये जीरो से जीरो गई जी, ठीक है। या मैं ये डायरेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ कि 100 ऊपर ले जाऊँ उधर और गुना कर दूँ, या चलिए यहाँ से कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैं कह सकता हूँ कि 100 माइनस D2 इज इक्वल टू 6120 अपॉन 72, ठीक है। अब मैं इसे कट कर सकता हूँ, 9 9 8 72, 9 6 54, 9 8 72 और 0 की एज इट इज़, और मैं 8 से कर कट करूँ, 8 8 64 और 8 5 40, 85। मतलब 100 माइनस D2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 85। सो इस हिसाब से मेरा D2 कितना आ जाएगा, 15%, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको एक बताऊं कि आप ये देखिए कि 720 और 216 के, सॉरी 720 और 612 के बीच में कितना डिफरेंस है, 108 का। इसका मतलब जो टोटल डिस्काउंट की वैल्यू है वो 108 हुई, कितने के ऊपर, 720 के ऊपर। 720 के ऊपर 108 का डिस्काउंट, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप इस वैल्यू को भी कट करेंगे तो भी आपका डायरेक्ट यहाँ से क्या मिलेगा, डिस्काउंट आ जाएगा, और वो 15% की वैल्यू आएगी, आपको ये माइनस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि 720 के ऊपर 108 का डिस्काउंट, तो 100 के ऊपर कितने का, वही आपका परसेंटेज आएगी। आप कट कर कीजिए, देखिए 9 8 72, 9 1 9 9 2 18, और आप कट कीजिए 4 से कर दीजिए, 4 2 8, 4 3 12, और 2 1 2 और 2 5 10, 5 गुना 3 बचा, 5 3 15, डायरेक्ट आपकी 15% की वैल्यू आ गई, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी आप बिल्कुल इसी तरीके से भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से वो अप्रोच कीजिए। मैंने अब आपको तीन तरीके बता दिए हैं, एक एक्सप्लेन वे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, अब दो तरीके इस वाले क्वेश्चन में बताएं। आप जो भी अप्रोच करना चाहें वो अप्रोच कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। किसी वस्तु पर 25% छूट के बाद 25% का लाभ होता है, यदि छूट 10% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेन सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है ये, 54। मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि कुछ हमारा सीपी होता है, कुछ हमारा एसपी होता है, कुछ हमारा एमपी होता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसने पहले हमें दिया है जी एमपी के ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया है, जिससे हमें सीपी मिल जाता है। कितना दिया है, -25%। मतलब देखो डिस्काउंट है तो माइनस करना पड़ेगा तभी हमारा एसपी आता है, ठीक है ना, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 25% का लाभ दिया है, और लाभ किसके ऊपर होता है, लाभ हो या लॉस हो वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। इसका मतलब ये कितना बनेगा, 25% प्लस का बनेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्काउंट है। आई बात समझ में। अब आप बताएं, अगर मैं मानता हूं कि मेरा एमपी जो है वो 100 है, अब 25% लॉस होने के बाद मेरा एसपी क्या हो गया, 75 हो गया। अब ये बोल रहा है कि जी जो सीपी है ना, सीपी के ऊपर 125% का प्रॉफिट, 75 है। अगर मैं कहता हूँ कि ये सीपी है और 25% का प्रॉफिट है, 100 के ऊपर मतलब 125 बन जाता है, तो कुछ ये इस तरीके से कह रहा है, और कितना बता रहा है, 75 के बराबर बता रहा है। 25 5 125, 25 4 100, ठीक है, और 5 से कट करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, और 15 4 60। इसका मतलब जो हमारे सीपी मिला हमें वो कितना मिला, 60 मिला। आई बात समझ में, सीपी हमारा 60 है, लेकिन अगली लाइन क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
यदि छूट 10% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहां पर छूट कितनी थी जी? 25% थी। अब ये कह रहा है कि ये चीज 25% ना होकर सिर्फ 10% हो, यानी कि ये चीज -10% हो तो ये यहां पर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 90 बन जाएगी। और अगर ये 90 बन गई तो हमें प्रॉफिट बताना है कितना होगा। सीपी हमारा 60 था, एसपी हमारा 90 है, कितने का प्रॉफिट हुआ जी? 30 का प्रॉफिट, 60 के ऊपर 30 का प्रॉफिट। इसका मतलब रेशियो कितनी आ गई? 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। यही आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुंहजबानी का सवाल था, अगर आप करने लगे तो बिल्कुल आप एक बस इस चीज को छोड़ दें तो सब कुछ आप मुंहजबानी कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ओ, ये तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सो मैं एक बार पहले की तरह बोल देता हूँ कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने व्यू होते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं। सो कोशिश कीजिए कि जो बंदा देखे, जो भी व्यूवर देखे, और जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। उनको बोलना रह जाता है। आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए कि किस तरीके से हम नई नई चीज़ें सीखते हुए चलते हैं। आप सभी का स्वागत है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और शेयर कीजिएगा वीडियो को जिनको भी इन किसकी ज़रूरत होगी, जिस किसी को भी इससे हेल्प हो पाए, आपको लगता हो, आपके फ्रेंड्स को। आप सभी में शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहली वस्तु पर 15% छूट दूसरी वस्तु पर 20% छूट के बराबर हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो सकता है? यार ये तो ऑप्शन से हो जाना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, ट्राई करते हैं। मुंहजबानी का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ भी 15% छूट है पहली वस्तु पर, दूसरी पर 20% छूट है। तो हमें पहली बात, इन दोनों का डिफरेंस देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 और 20 का 5 का ही डिफरेंस है। जो हमारा क्रय मूल्य होगा ना, उसका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा बोले तो मैं कुछ चीज़ें निकाल देता हूँ, जैसे 80 और 20, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 कट हो गया। 80 और 60 हो सकता है, 80 70 भी हो सकता है, 80 50 नहीं हो सकता। 30 का डिफरेंस आ रहा है और पर्टिकुलर में 30 का डिफरेंस नहीं जाएगा बिल्कुल भी। पहला ऑप्शन भी मैं कट कर दूँ, मैं दूसरा ऑप्शन उठा रहा हूँ। देखिए, पहली वस्तु पर 15% की छूट, पहली प्रति वैल्यू कितनी हुई? 80 हुई। 80 के ऊपर 15% की मैंने छूट कर दी तो कितना वैल्यू गई मेरी बताइए? 15% पर मैंने मतलब 80 रुपये के ऊपर मैंने 15% की छूट की, 10% हुआ 8, और 10% का आधा यानी कि 5% हुआ 4। टोटल मिला के परसेंटेज कितनी हो गई? 8 और 4 12। 80 में से 12 गए, कितने बचेंगे जी बताएं? 80 में से 12 गए 68। ठीक है, मतलब 68 होगा ये, लेकिन हमें तो कुछ करना ही नहीं है क्रय मूल्य का, उसका हमें तो छूट बराबर करनी है ना। ठीक है, 15% छूट की मतलब 15% छूट, 80 का 15% छूट 12 रुपये हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं 20% छूट 60 का। देखिए, 60 रुपये का 10% कितना होता है? 6 होता है, तो 20% कितना हो गया? 12। आपका यही आंसर हो जाएगा। 80 का 15% 12 होता है, 60 का 20% 12 होता है, और इसने बोला है कि छूट के बराबर हो, एक दूसरे की छूट, पहली की 15% की छूट दूसरे की 20% की छूट के बराबर हो, और 12 यहाँ से मिल रहा है, 12 यहाँ से मिल रहा है। यही आपका आंसर होगा। आप मुंहजुबानी इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा लिख के जो कहना चाह रहे हैं कि देखिए, 80 है, 80 का 15% अगर मैं निकालूंगा तो कितना मिलेगा? ये मेरी छूट है, मैं डायरेक्ट यही निकाल रहा हूँ बस। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 तिया 12। ठीक है, और दूसरा मेरा मिला 60 हमारे पास था ऑप्शन में, और इसका हमने किया 20% कुछ इस तरीके से, 0 2 5 10 और 12 पंजे 60, ये भी हमारा कितना मिला? 12। इसका और ये दोनों वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू है? छूट की वैल्यू है, यानी कि
डिस्काउंट की वैल्यू है और दोनों ही बराबर आ गई हैं। इसका मतलब 80 और 60 यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर दो में गिवन है। कुछ यही इसमें कहना चाह रहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको क्लास पसंद आई होगी। सो लाइक करना चैनल, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। एंड थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, बस गला आपको पता लग ही रहा होगा। पता है मैं 2 दिन हो चुके हैं यही टेबलेट्स देखिए, स्टेपसिल, सुअलिन, स्टेपसिल्स यही लेके काम चला रहा हूँ और अभी भी मैंने ये 2 दिन खाई हैं और उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। सो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सो कंटिन्यूटी अच्छे से करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस आपका ऑलमोस्ट एक ही सेक्शन रहता है, ये अगली आने वाली 2 वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। और बताइएगा कमेंट करके कि अगला चैप्टर कौन सा करना है जल्दी से, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।